हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज हमने किस प्रकार से ट्रेडिंग की है, कौन से सेटअप पे आज हमने ट्रेड किया, कौन सी स्ट्रैटेजी आज हमने इम्प्लीमेंट की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया या फिर हमने कितने पॉइंट्स आज मार्केट से कैप्चर किए। वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि एक भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। सो गाइस, आज हमने ब्रह्मास्त्र सेटअप पे ही ट्रेड लिया था। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप पे फोकस करना है, तब जाके आप एक ही सेटअप पे मास्टर्स कर सकते हो। देखिए, आज जो भी मैंने ट्रेड किया था उसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। आप प्राइस एंड टाइम कैलकुलेट करके अपने चार्ट पर लगा सको और वहाँ पर आपको स्टडी करने में आसानी हो जाए। देखिए, आज हमने 46,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था जो कि 328 के अराउंड हमने बाइंग की थी एंड हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था 300 पे। अब देखिए, ये ट्रेड जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया है वहां पर हमने 30 टू 40 पॉइंट्स कैप्चर करके मार्केट से एग्जिट किया था। देखिए, जनरली जब भी ब्रह्मास्त्र सेटअप बनता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट को कैप्चर करें, 70-80-100 पॉइंट्स कैप्चर करें मार्केट से। लेकिन आज मैंने तुरंत ही एग्जिट किया, कम पॉइंट्स लेके मार्केट से एग्जिट किया। उसके पीछे भी एक रीज़न है गाइस। जब भी आप किसी भी सेटअप पे वर्क करते हो, स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो और वो स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होती है तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छी तरीके से मालूम होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से और बहुत ज़्यादा उस स्ट्रैटेजी पे टाइम बिताने से ही होता है। जैसे कि मैंने ब्रह्मास्त्र सेटअप पे बहुत टाइम तक वर्क किया है एंड मुझे मालूम है कि ब्रह्मास्त्र सेटअप कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता है, कब हमें उससे कम पॉइंट्स लेके मार्केट से निकलना है, कब ये सेटअप बहुत अच्छी तरीके से रैली दे सकता है। तो ये चीज़ें मुझे मालूम है जिसकी वजह से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वैसे ही आज हुआ, आज हमने ट्रेड कम पॉइंट्स लेके एग्जिट किया। उसके पीछे यही रीज़न था कि देखिए, जब भी ब्रह्मास्त्र सेटअप एक्टिवेट होता है तो मुझे एक्सपेक्टेड रहता है कि क्विक मूव मुझे चाहिए, जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने को मिल जाए। एंड ये बहुत बार होता है कि जैसे ही हम ब्रह्मास्त्र पे ट्रेड लेते हैं एक अच्छी खासी स्पाइक हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, आज क्या हुआ, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया एंड तुरंत दो तीन कैंडल्स ऐसी फॉर्म हो गई जो कि एक साइडवेज मार्केट की तरफ लेके जा रही थी मार्केट को, और आप कह सकते हो कि एक जोन में बन रहा था मार्केट। उसी की वजह से प्रीमियम डीके हो गया और वहाँ पर मुझे समझ आ गया कि हमें थोड़ा सा मार्केट में पॉइंट्स कम कैप्चर करने हैं एंड मार्केट से निकल जाना है। अगर ये प्रीमियम डीके नहीं होता तो हम सेकेंड या थर्ड टारगेट पर डेफिनेटली एग्जिट कर लेते, लेकिन आज थोड़ा सा हमने जल्दी एग्जिट किया क्योंकि हमारा प्रीमियम डीके ऑलरेडी हो चुका था। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ऑप्शन बायर्स हो, ऑप्शन सेलर्स नहीं। तो आप जब भी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो, जब भी सेटअप पे वर्क करते हो तो आपको प्रीमियम डीके का भी ध्यान रखना होगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, आज हमने 2,800 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र सेटअप से। यहाँ पर वीडियो एंड करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, तो प्लीज़ वीडियो यहाँ एंड मत कीजिएगा, बात सुन के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये सिमिलर गलती आप भी कर रहे होंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी के थ्रू। अब देखिए, ये सिमिलर ट्रेड मैंने हमारे प्रीमियम के ग्रुप में भी दिया था, 46,000 का कॉल ऑप्शन, जो कि मैंने लेवल शेयर किए थे, थोड़ा सा सेफ साइड मैंने लेवल शेयर किए थे, 340 पे बाइंग थी और स्टॉप लॉस हमारा 300 पे था। हमारे एक मेंबर ने क्या किया, 300 पे बाइंग कर ली, जहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस्ड है वहाँ पर उन्होंने बाइंग कर ली, क्योंकि मैं जनरली हमारे जो लेवल्स होते हैं वो 30-40 पॉइंट्स पहले ही दे देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने 300 पे बाय कर लिया और 340 पे सेल कर लिया। जब भी हम लेवल शेयर करते हैं उसके पीछे का लॉजिक भी हमें ही मालूम होता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर कहाँ हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा, आप स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट सेम प्राइस पे कीजिएगा ताकि आप लोगों से ये मिस्टेक्स ना हो जाए। हम सेटअप स्ट्रैटेजी पर जब वर्क करते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। अगर ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो तो डजंट मैटर आप कहाँ एग्जिट कर रहे हो और कहाँ एंट्री ले रहे हो, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करना है, मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा। आपको कहीं भी एंट्री लेनी, कहीं भी एग्जिट करनी, ऐसी बातें नहीं करनी है। और
अगर आप बात करोगे तो हमने 340 पे एंट्री करने के बाद मार्केट अराउंड 400 तक चला गया था, यानी कि 70-80 पॉइंट्स की वहाँ पर हमने मूवमेंट कैप्चर कर ली थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही एंट्री कर लो, आपको आपके हमेशा लेवल्स पर ही एंट्री करनी है। आई होप अभी जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।